नमस्कार दोस्तों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आइए जानते हैं इसके 10 रहस्य। पहला रहस्य है धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव, दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का केंद्र बिंदु है। दूसरे रहस्य की बात करते हैं, वह है अलौकिक शक्ति के केंद्र का। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक ऐसा बिंदु है जहां दसों दिशाएं मिल जाती हैं। रसिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क भी कर सकते हैं। तीसरे रहस्य के बारे में बात करते हैं, जो कि है पिरामिड नुमा पर्वत के बारे में। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहाँ कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। चौथा रहस्य है कि इसके शिखर पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए यह भी एक रहस्य है। बात करते हैं पांचवें रहस्य के बारे में। यहां 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्रबल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। यह अभी भी एक रहस्य है कि यह झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि इन्हें ऐसा बनाया गया। छठे रहस्य की बात करते हैं कि आखिर यहीं से क्यों होता है सभी नदियों का उद्गम। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है। वे नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, पाकर नाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। सातवें रहस्य की बात करते हैं कि आखिर पुण्य आत्माएं यहाँ निवास क्यों करती हैं? यहाँ पुण्य आत्माएं ही रह सकती हैं, ऐसा कहा जाता है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रसिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। आठवें रहस्य की बात करते हैं दोस्तों, यति मानव के रहस्य के बारे में। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहते हैं, कोई से भूरा भालू भी कहते हैं, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। यह धारणा प्रचलित है कि यह लोगों को मारकर खा जाता है। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसका दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले रहस्य, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो, या भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती हैं। अंतिम रहस्य की बात करते हैं दोस्तों, दावा किया जाता है कि कई बार
कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि यहाँ चुंबकीय बल के कारण ऐसा होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीजों का निर्माण कर सकता है। कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन ये जैसे भी रहस्य हैं, ये आज भी दुनिया के सामने रहस्य बने हुए हैं। कहा जाता है कि भगवान भोले की महिमा को कोई नहीं जान सकता जब तक कि आप उनसे जुड़ना चाहें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।